उत्तर प्रदेश राज्य से टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा मुक्त शिक्षा चुनौतियां एवं संभावना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य से टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति प्रोफेसर कमलेश्वर नाथ सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी प्रोफेसर पीपी दुबे, क्षेत्रीय निदेशक प्रवीण कुमार, मानविकी शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरपी यादव, समन्वयक प्रोफेसर संजीत गुप्ता सहित विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न केंद्रों के प्राचार्य मौजूद रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। सरस्वती वंदना के पश्चात उपस्थित लोगों ने एक स्वर में वंदे मातरम के गीत गाए, जिसके पश्चात अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुक्त शिक्षा चुनौतियां एवं संभावना विषय पर अपने अपने विचार रखे। इस दौरान विश्वविद्यालय संबंध गोरखपुर परिक्षेत्र के अध्ययन केंद्रों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निवारण पर भी चर्चा की गई। जीवन सम्मान तुम दिखाना, वीरा बजाने वाली वीरा मधुर बजाना, वीरा बजाने वाली वीरा मधुर बजाना, संकल्प शक्ति दे कर, संकल्प शक्ति दे कर चेतना जगाना, वीरा बजाने वाली वीरा मधुर बजाना। एक विशेष मैं चर्चा कर रहा था प्रवीण से कि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं हमारे देश में, जिनमें
प्रयास ये है कि हर प्रदेश में एक अध्ययन इस तरह का विश्वविद्यालय स्थापित हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि 1999 में राजेंद्र सिंह टंडन उत्तर प्रदेश राजेंद्र सिंह टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तब से अनवरत रूप से विकास की सीढ़ियों को यह विश्वविद्यालय पार करता चला जा रहा है।